मैं पांडव नाग सर्व आदिवासी समाज का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। मेरे पत्नी विनोदनी नाग क्षेत्र क्रमांक 13 जनपद सदस्य है ग्राम गन्नेकेरा का, जिसमें हमारे बसना ब्लॉक में दो गौठानों को हमारे शासन से जो भी स्वीकृति मिला है, जिसमें शिलान्यास हुआ है, उसमें हमारे मुख्यमंत्री से लेकर जनपद सदस्यों तक का नाम है, जिसमें हमारे क्षेत्रीय जनपद सदस्यों का शिलान्यास में नाम को काट दिया गया है, उसमें हमको बहुत आघात पहुंचा है, क्योंकि हम क्षेत्रीय जनपद सदस्य लड़कर आए हैं, उसमें हम लोग जिसने भी काटा है नाम को, उसका हम लोग कार्यवाही करने की मांग करते हैं, शासन से अनुरोध करते हैं कि अन्यथा ऐसा किसी के ये में खिलवाड़ न करें, चाहे शासन से हो या कर्मचारियों से हो, चाहे कहीं से भी हो, हम उसका मांग करते हैं। आपको क्या लगता है कि नाम क्यों काटा गया है, क्या कारण इसके पीछे मानते हैं आप? मैं उसके बारे में तो नहीं बता सकता क्यों माने काटा गया है मेरे नाम को, और उसमें काटने में क्या फ़ायदा है जो काटने वाले का। इस आपने इस संबंध में जनपद सीओ से बात की तो उनका क्या कहना है? जनपद सीओ ने मैं लिख कर दिया था जिला पंचायत जिला को, और क्यों नहीं आया वो मेरे को नहीं पता करके बोले थे। तो आप लोग इसकी शिकायत कहाँ कहाँ किए? मैं इसके शिकायत कलेक्टर महोदय से किया हूँ, जिला सीओ से किया हूँ, मुख्यमंत्री से किया हूँ और जनपद सीओ से किया हूँ। आप क्या चाहते हैं? मैं इसका कार्रवाई चाहता हूँ, जो भी मेरे नाम को धूमिल करने की कोशिश की है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई मिले। मैं इसका अगर कार्रवाई नहीं होता है तो मैं शिलान्यास जो हुआ है उसको मेरे जनपद क्षेत्र क्रमांक ग्राम गन्ने के गौठान में लगाने में भी होगा। इसमें नाम किसका होना था, आपका होना था या आपकी पत्नी का? मेरे पत्नी का नाम होना था। क्या नाम है? विनोदनी पांडव नाग। जरूर सर, आपके बसना जनपद अंतर्गत ग्राम गन्नेकेरे आपकी जनपद सदस्य ने आरोप लगाया है कि शासन द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं, जो भी शिलान्यास भूमि पूजन होता है, उसमें उनको आमंत्रित नहीं किया जाता, शिलान्यास पत्र में जानबूझ कर उनका नाम काट दिया जाता है, जिससे वो अपमानित महसूस कर रहे हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने की है, क्या कहेंगे? इसका शिलान्यास पत्थर में भले नाम नहीं है, लेकिन वहाँ शिलान्यास के समय न उनको भी आमंत्रित किया गया था। शिलान्यास पत्थर में उनका नाम क्यों नहीं है सर, क्या आवश्यकता है? ऐसा है, नहीं नहीं, वो जिले के में सभी ब्लॉक में जिले से पत्थर में लिखाई का कार्य हुआ है, और उसमें मैं सरायपाली ब्लॉक का देखा हूँ, किसी ब्लॉक का और हमारे चौर दूसरे ये हैं, किसी भी जनपद सदस्य का नाम नहीं है, तो उसमें जिला वाले लिखवाए हैं। क्या आपके द्वारा जो नाम भेजा गया था उसमें उनका नाम था? अब उसका नाम ये करने के लिए था, बाकी सर उसी नहीं शिलान्यास में अन्य जनपद सदस्य का नाम है? नहीं 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 है, नहीं है सर, हम लोग देखे हैं और शिलान्यास जनपद सदस्य का नाम नहीं है भाई, वो ना जनपद अध्यक्ष का नाम है, वहाँ जो उस समिति का अध्यक्ष है ना उसका नाम है। सर राजनीतिक दबाव के चलते आपके द्वारा नाम? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाई, ऐसा नहीं है सर, अन्य क्षेत्रों के जो शिलान्यास? नहीं 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 है भाई। सर जिस जनपद सदस्य के क्षेत्र में कोई शिलान्यास होता है तो क्या वहाँ के जनपद सदस्य का नाम होना अनिवार्य नहीं है? ऐसा कोई ये नहीं है भाई, बाकी ना हम लोग जिला भेजे थे, जिले से लिखाई हुआ है, उसके बाद आया है पत्थर।